क्वेश्चन आपके सामने है, नंबर दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से किससे डिविजिबल है। ठीक है, नंबर को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2, 1, 4, 3, 2, 5, 1। सबसे पहले हम 3 से चेक करेंगे, उसके बाद इन पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 के डिविजिबिलिटी का रूल हमें पता है, सारे को जोड़कर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 और 1 3, 3 4 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 5 17 1 18। या 18 जो है 3 से डिविजिबल है, तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा।